हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एनपीएस में जो न्यू रूल आया है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, एनपीएस से पैसे निकासी का जो नियम बदला है उसकी सारी अपडेट, जो न्यू अपडेट है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एनपीएस के न्यू रूल के बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एनपीएस न्यू रूल। एनपीएस से आंशिक निकासी का नया नियम आने के बाद आप अपने योगदान में से केवल 25% की निकासी कर सकते हैं। यानी एनपीएस में जो आंशिक निकासी का नया नियम आया है, न्यू रूल आया है, उसके आने के बाद में आप अपने योगदान में से केवल यानी ओनली 25% निकासी कर सकते हैं। एनपीएस से आंशिक पैसा निकासी के नियम में इसी महीने में बदलाव किया गया है। इसके बाद एनपीएस से पैसा निकालने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इस नियम के आने के बाद आप अपने योगदान के एक हिस्से की ही निकासी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू रूल है वो इसी महीने में यानी फेब्रुआरी 2024 में आया है, और उसके आने के बाद, इस रूल के आने के बाद एनपीएस से जो पैसा निकालने का तरीका था वो पूरी तरह बदल गया है। तो जैसे आप पहले पैसा निकासी कर सकते थे, पैसा निकाल सकते थे, वैसे अब नहीं निकाल पाएंगे। अब आपको अपने योगदान के एक हिस्से की ही निकासी कर सकते हैं। ऐसे में एनपीएस से पैसा निकालते समय आपको इस नियम के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। यानी जो भी केंद्रीय कर्मचारियों हैं उन सभी को इस नियम के बारे में जान लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं इस रूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि क्या है एनपीएस से पैसा निकालने का नया नियम। तो इस रूल के बारे में जाने तो पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए नियम के मुताबिक अब आप एनपीएस से खाता खोलने के 3 वर्षों के बाद ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, जब इस न्यू रूल के मुताबिक आप जब एनपीएस में खाता यानी अकाउंट खोलेंगे तो उसके 3 इयर्स के बाद ही आप अपनी निकासी कर सकते हैं। ये आपकी ओर से पेंशन खाते में दिए गए योगदान का 25% से ज्यादा नहीं हो सकती है। पीएफआरडीए द्वारा ये नियम 12 जनवरी 2024 को जारी किया गया था और ये 1 फरवरी 2024 को लागू हो चुका है। यानी फ्रेंड्स, ये आपकी ओर से जो पेंशन खाते में आप अपना पेंशन जमा करते हैं वो आपका योगदान एक तरीके से है, तो उसमें से आप उस योगदान में से 25% से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं पीएफआरडीए के द्वारा। ये जो न्यू रूल आया है वो 12 जनवरी 2024 को जारी किया गया था और ये 1 फरवरी 2024 से लागू भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो आपने एनपीएस खाता खोलने के 3 वर्षों के दौरान 8 लाख रुपए का योगदान किया है और इस दौरान फंड में पैसा बढ़कर 15 लाख रुपए हो गया है, तो आप निकासी के दौरान अपने योगदान का 25% यानी 2 लाख रुपए की ही निकासी कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो भी 3 इयर्स के लिए आप एनपीएस अकाउंट में अपने पैसे जमा करेंगे उसके दौरान, उस 3 इयर्स के दौरान आपको 8 लाख रुपए का योगदान दिया गया है एज अ एग्जाम्पल, तो आपका जो 8 लाख का जो योगदान है उसका फंड में पैसा बढ़ गया है, 15 लाख रुपए हो गया है। तो आप निकासी के दौरान केवल अपने 25% यानी कि सिर्फ 2 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। अब जानते हैं एनपीएस से कितनी बार कर सकते हैं निकासी। यानी एनपीएस अकाउंट में से
जो पैसे निकालने हैं वो हम कितनी बार निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो एनपीएस खुलने के बाद आप अधिकतम 3 बार ही अपने पेंशन खाते से पैसे की निकासी कर सकते हैं। निकासी को लेकर एक नया नियम यह भी है कि 2 निकासी के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतर होना चाहिए। हालांकि आपको या तो आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। यानी फ्रेंड्स, जो एनपीएस अकाउंट है उसके खुलने के बाद मैक्सिमम आप 3 टाइम अपने पेंशन अकाउंट में से मनी विड्रॉल कर सकते हैं। और विड्रॉल को लेकर जो नया नियम है वो ये भी है कि आपकी 2 विड्रॉल के बीच में मिनिमम 5 इयर्स की गैप होनी चाहिए। और एक बात ये भी है कि अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई बीमारी हुई है, गंभीर बीमारी, तो ये नियम वहाँ पर लागू नहीं होता है। तो आप कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हैं अगर किसी को कुछ गंभीर बीमारी हुई है तो। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एनपीएस से कब पैसा निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले है बच्चों की उच्च शिक्षा, यानी जो भी केंद्रीय कर्मचारी है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए अपने पेंशन खाते में से पैसे विड्रॉल करने के लिए जो कब वो निकाल सकते हैं ये बात देखें। तो सबसे पहले उनकी जो बच्चों की उच्च शिक्षा है उसके लिए वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। फिर बच्चों की शादी के लिए पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अपना पहला घर खरीदने के लिए भी वो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। किसी विशेष बीमारी के लिए भी या वो बीमारी चाहे उनको खुद को हो या उनके फैमिली मेंबर को हो तो भी वो पैसे निकाल सकते हैं। फिर मेडिकल खर्चों के लिए भी वो पैसे निकाल सकते हैं। कोई नया कारोबार या स्टार्टअप शुरू करने पर वो अपना पैसे निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कैसे कर सकते हैं निकासी, यानी कि विड्रॉल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो एनपीएस के पैसा निकासी के लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, इसके सीआईई या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से जमा करना होगा। अगर सब्सक्राइबर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से भी निकासी आवेदन जमा कर सकता है। यानी फ्रेंड्स, ये जो एनपीएस से पैसे विड्रॉल करने की बात है वो जो सरकारी कर्मचारी है या उनके जो कोई घर के मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उनको कोई गंभीर बीमारी है तो वो वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सबसे पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, इसके सीआई या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से जमा करना होगा। और फिर वो जो सब्सक्राइबर है, यानी जो सरकारी कर्मचारी है, वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होगा तो वो अपने किसी फैमिली मेंबर से भी वो मनी विड्रॉल करवा सकता है, मनी विड्रॉल की जो एप्लीकेशन है वो जमा करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एनपीएस में जो नया रूल जारी हुआ है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताई। आई होप यू लाइक आर वीडियो, यू लाइक आर इन्फॉर्मेशन। And if you like our video, then please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching. Stay tuned for more videos, more information. Thank you.